गुड मॉर्निंग बच्चों, इस लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है स्टेयरिंग रेशियो। तो स्टेयरिंग रेशियो क्या होता है? देखिए, स्टेयरिंग सिस्टम आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि स्टेयरिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है गाड़ी को, जो आपका व्हीकल है उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको अपनी व्हीकल को मूव करना है उस डायरेक्शन में हम स्टेयरिंग को घुमा देते हैं और वहां पर हमारी डिजायर्ड पाथ में हमारा व्हीकल चलने लगता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि स्टेयरिंग व्हील को कितना घुमाए और जो टायर है गाड़ी का वो कितना घूमेगा। तो डिपेंड करेगा पहले कि आपका टू व्हील स्टेयरिंग है या फोर व्हील स्टेयरिंग है। तो अभी हम मानते हैं कि टू व्हील स्टेयरिंग है। और कौन से व्हील कनेक्टेड है? फ्रंट व्हील। तो मैं किसकी बात करूंगा? दैट मीन्स बाई डिफॉल्ट हम जो टायर्स की बात करेंगे वो फ्रंट टायर्स की बात करेंगे। ठीक है, या व्हील की बात जो करेंगे हम वो फ्रंट व्हील की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेयरिंग व्हील कितना घुमाओगे, फ्रंट व्हील कितना घूमेगा। ठीक है, इसके रेशो को बुलाते हैं स्टेयरिंग रेशो, कि कितना एंगल आप स्टेयरिंग व्हील को घुमाओगे जो ड्राइवर के हाथ में होती है, और उससे आपका कितना डिग्री एंगल आपका जो आपके व्हील है, जो फ्रंट व्हील है वो कितना घूमेंगे। ठीक है, तो स्टेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया? इट इज द रेशियो, स्टीयरिंग का रेशियो। रेशियो किस चीज का है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल टर्न बाय द स्टीयरिंग व्हील टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रंट टायर्स, या इसको आप स्टीयर्ड टायर्स भी बुला सकते हैं या व्हील्स भी बुला सकते हैं। देखो, मैं व्हील इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्टीयरिंग व्हील और इस व्हील में आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी किसी बुक में क्या दिया हुआ है कि एंगल टर्न बाय द स्टीयरिंग व्हील्स टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयर व्हील्स। तो दोनों व्हील है इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने टायर एक ही बात है। ठीक है, जितना व्हील घूमेगा उतना टायर घूमेगा आपका। तो ये रेशियो है कितना एंगल आपने अपने स्टीयरिंग को घुमाया, ठीक है, और कितना एंगल आपका टायर घूमा। कौन सा टायर? जो स्टेयरिंग व्हील के साथ कनेक्टेड है। अगर हम बात करेंगे फ्रंट व्हील स्टेयरिंग की, तो फ्रंट व्हील जो आपका है वो कितना घूमा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा स्टेयरिंग रेशियो 10:1 है, 10:1, इसका मतलब है कि 10 डिग्री अगर आप घुमाओगे स्टेयरिंग को, जो आपका स्टेयरिंग व्हील है जो ड्राइवर के हाथ में है उसको 10 डिग्री घुमाओगे, तो 1 डिग्री क्या घूमेगा, 1 डिग्री क्या घूमेगा आपका, तो 1 डिग्री आपका घूमेगा टायर। ठीक है, या फ्रंट टायर्स, या आप इसको अभी हम इसको फ्रंट व्हील ही बुला लेते हैं, या इसको स्टीयर्ड व्हील भी बुलाते हैं, स्टीयर्ड व्हील। तो दोनों अंतर है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयर्ड व्हील है। स्टीयरिंग व्हील जो कि स्टीयरिंग के साथ कनेक्टेड है, स्टीयर्ड व्हील जो कि स्टीयरिंग के कारण घूमेगा। तो इसको, इसके लिए बेटर है कि आप इसको ऐसे बोल लीजिए, 10 डिग्री स्टेयरिंग व्हील को घुमाओगे तो 1 डिग्री आपका फ्रंट व्हील या फ्रंट टायर घूमेगा। ठीक है, जो फ्रंट टायर्स है वो घूमेंगे आपके। तो इस रेशो को हम बुलाते हैं क्या, स्टेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन है कि इसका कुछ और भी एडवांटेज है? बिल्कुल, इससे आप टॉर्क के बारे में भी बता सकते हो कि कितना टॉर्क हम लगाते हैं और कितना उसमें मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिलता है, क्योंकि स्टीयरिंग रेशियो आपको मैकेनिकल एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। वो आगे हम देखेंगे कैसे करता है। तो स्टीयरिंग सिस्टम जितना टॉर्क आप लगाते हो स्टीयरिंग पे उससे मल्टीप्लाई होके कुछ टाइम वो आपको उससे ज्यादा मिलता है, कहां पर, टायर्स में। तो अगर मैं सारे एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो अगर मेरा स्टीयरिंग रेशियो 10:1 है, तो इसका मतलब है कि 1 न्यूटन मीटर स्टेयरिंग को घुमाने के लिए टॉर्क अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे टायर्स में कितना मिलेगा, 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 10:1 का मतलब है कि अगर आप 1 न्यूटन मीटर टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है, क्यों लगा रहे हो टॉर्क, एट स्टेयरिंग व्हील, एट
स्टेयरिंग। तो आपको कितना मिलेगा टायर्स में? टॉर्क ऑब्टेन एट फ्रंट टायर्स, ठीक है। मैं फ्रंट इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मैं फ्रंट स्टेयरिंग सिस्टम के लिए इसको एज्यूम कर रहा हूं। फोर व्हील स्टेयरिंग सिस्टम भी हो सकता है, अभी हम फ्रंट व्हील स्टेयरिंग सिस्टम ले रहे हैं। तो उसके लिए अगर 10:1 है तो ये आपको टॉर्क के बारे में भी बताएगा कि 1 न्यूटन मीटर टॉर्क अगर हम स्टेयरिंग में लगाते हैं तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिलता है कहां पर? टायर्स में मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 टाइम्स, देखिए वो हम आगे देखेंगे कौन करता है, क्योंकि हमारे स्टेयरिंग सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं। पहले स्टेयरिंग व्हील होता है, फिर एक कॉलम होता है, कॉलम के बाद आप देखोगे इसमें रैक एंड पिनियन या वॉर्म गियर या डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, और लास्ट में जो गियर अरेंजमेंट होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज को आपको बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कि आपका जनरली कितना यूज करते हैं हम, तो टिपिकल जो हमारी कार्स होती हैं उसमें आप रेंज देखोगे तो आपको जो नॉर्मल हमारी कार्स होती हैं उनमें हमें कितना होता है, 40 कार्स, ये रेंज होती है आपकी 12:1 टू 20:1। तो कार्स के लिए मेनली जो स्टेयरिंग रेशियो हम यूज करते हैं वो 12:1 से 20:1 तक होता है। अगर हैवी व्हीकल की बात करें, जैसे ट्रक्स होते हैं आपके, तो उनमें हम अगर हैवी व्हीकल की बात करें, तो उसमें 35:1 तक आपको अचीव कर लेते हो, ठीक है, टू 40:1 तक। तो स्टेयरिंग रेशियो में आपको ये समझाया मैंने, स्टेयरिंग का भी आप बस इतना समझिए मेन मेन कि स्टेयरिंग को कितना डिग्री एंगल घुमाएंगे जिससे कि आपके जो स्टेयरिंग के साथ कनेक्टेड है जो व्हील या जो टायर जो उसके साथ कनेक्टेड है वो कितना घूमेगा, तो उसको तो हम एंगल टर्न बोलते हैं और उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 10 डिग्री अपने स्टेयरिंग को घुमा रहा हूं, 10 डिग्री मैंने एंगल पे घुमा दिया, तो 1 डिग्री मुझे मिल रहा है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे व्हील का, जो व्हील मेरे रोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और जो कि आपके स्टेयरिंग के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको एक व्हीकल बना के दिखाता हूँ, सपोज आपकी आपकी देख लीजिए, सपोज, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा स्टेयरिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये स्टेयरिंग सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ मैंने, तो स्टेयरिंग व्हील मान लीजिए यहां पर है। तो अगर मैं इसको 10 डिग्री घुमाता हूं, ठीक है, स्टेयरिंग व्हील को, तो आपको 1 डिग्री इसका एंगुलर मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपका कितना घूमेगा, 1 डिग्री। तो इसी रेशो को बुलाते हैं हम 10:1। 10 आपने स्टेयरिंग व्हील जो कि टायर्स है जो कि आपके ड्राइवर के हाथ में हो, जो व्हील उसको 10 डिग्री घुमा रहे हो, 1 डिग्री आपको टायर पे मिल रहा है जो कि रोड के साथ कनेक्टेड है। और फ्रंट में, फ्रंट वाले की बात करते हैं हम, क्योंकि जो जो आपके बैक हैं या रेयर व्हील्स होते हैं वो तो इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम मेनली डील करते हैं टू व्हील स्टेयरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।